नमस्कार दोस्तों, आज हम बनाएंगे रेस्टोरेंट स्टाइल रैबिट मसाला जबरदस्त रेसिपी का साथ। तो दोस्तों, ये देख रहे मेरे हाथ में खरगोश या रैबिट है। आज हम बनाएंगे इसे नॉर्थ इंडियन स्टाइल पे रैबिट मसाला। तो रैबिट मसाला बनाने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, इस रैबिट को नीटली क्लीन करके क्यूब्स करके कटिंग करना है। तो दोस्तों देख रहे हैं, मैंने रैबिट को कैसा अच्छा से छोटा छोटा क्यूब्स करके कटिंग कर लिया है। आपको सेम रैबिट को ऐसा छोटा छोटा पीस करके काट सकते हैं, नहीं तो बड़ा बड़ा पीस करके काट सकते हैं, आपकी चॉइस। तो इसका मसाला बनाने के लिए सबसे पहले इस मीट को फास्ट मैरिनेशन करते हैं। तो फास्ट मैरिनेशन करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट, और साथ में ऐड कर लेंगे थोड़ा सा रॉ ऑनियन स्लाइस, थोड़ा सा नमक, ज़्यादा ऐड ना करें, बाद में हम मसाला में भी ऐड करेंगे, थोड़ा सा टर्मेरिक पाउडर ऐड करेंगे, थोड़ा सा स्पाइसी रेड चिल्ली पाउडर ऐड करेंगे, थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर ऐड करेंगे, दो तीन लेमन का लेमन जूस। अब आपको क्या करना है, इसे अच्छा से मिक्स कर लेना है, और ये मीट को 15 से 20 मिनट के लिए रेस्ट पे रखना है। लगन में बनाएंगे तो बर्नर में बैठा लेंगे लगन, और नेक्स्ट ऐड करेंगे लगन पे ऑयल। दोस्तों देख रहे हैं तेल गर्म हो चुका है। सबसे पहले आपको क्या करना है, ऐड करना है होल खड़ा गरम मसाला, और साथ में ऐड कर लेंगे थोड़ा सा ग्रीन चिल्ली। अब आपको क्या करना है, इसे गरम तेल में 2 से 4 सेकेंड अच्छा से भून लेना है। नेक्स्ट आपको क्या करना है, ऐड करना है ऑनियन स्लाइस। अब आपको क्या करना है, धीरे धीरे इस ऑनियन को अच्छा से भूनना है, मिनिमम 80 से 90% तक हल्का ऑरेंज कलर आ जाए तब तक आपको भूनना है। हम बना रहे हैं 3 kg रैबिट मीट का इंडियन स्टाइल रैबिट मीट मसाला, थोड़ा सूखा सूखा बनाएंगे। तो दोस्तों देख रहे हैं हमारा अनियन मैंने कैसा भून लिया है। जब आपका अनियन सेम स्टेज तक अच्छा से भुना कंप्लीट हो जाए, नेक्स्ट आपको क्या करना है, ऐड करना है जिंजर गार्लिक पेस्ट। इसका क्वांटिटी थोड़ा ज़्यादा मात्रा से ऐड कीजिए, कि आपको जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करके इसे अच्छा से भूनना है। तब तक भूनना है जब तक जिंजर गार्लिक का भी थोड़ा रॉ स्मेल ख़त्म ना हो, इसलिए हम इसे अच्छा से भून लेंगे। जिंजर गार्लिक भुना डन, अब बारी है मसाला ऐड करने का। तो सबसे पहले ऐड कर लेंगे नमक, आपको स्वादिष्ट अनुसार ऐड करना है। नेक्स्ट ऐड कर लेंगे थोड़ा सा हल्दी पाउडर, नेक्स्ट कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर कलर के लिए, और साथ में ऐड करेंगे स्पाइसी रेड चिल्ली पाउडर स्पाइसी के लिए। नेक्स्ट ऐड करेंगे थोड़ा सा रोस्टेड जीरा पाउडर, और साथ में ऐड करेंगे रोस्टेड कोरिएंडर सीड पाउडर, और नेक्स्ट ऐड करेंगे आधा चम्मच गरम मसाला पाउडर। अब हम ये सारे मसाला को तेल और इस ऑनियन का साथ स्लो फ्लेम पे अच्छा से भून लेंगे। आपको इसी टाइम फ्लेम स्लो रख के मसाला भूनना है, और आपका मसाला जाते ना जले उसके लिए थोड़ा पानी ऐड कर लेंगे। तो वाटर ऐड करने का बाद अब हम इस मसाला को अच्छा से भून भून के पकाएंगे। तो दोस्तों देख रहे हमारा मसाला भून के तैयार है। अब हम इसमें ऐड करेंगे टोमेटो स्लाइस। अब हम इस टोमेटो को अच्छा से भून के एक जबरदस्त मसाला तैयार कर लेंगे। और दोस्तों देख रहे ना कितना जबरदस्त मसाला तैयार है। जब आपका मसाला तैयार हो जाए, नेक्स्ट आपको क्या करना है, ये रैबिट मीट को धीरे धीरे इस मसाला में आपको ऐड कर लेना है। अब हम इस मीट को 15 से 20 मिनट पकड़ के अच्छा से भून के पकाएंगे। देख रहे मैंने कैसा रैबिट को भून के पका रहा हूँ, आपको सेम ऐसा ही भून के पकाना है। पानी बिल्कुल ऐड ना करें। यहाँ पर मैंने रॉ ऑनियन यूज़ किया था,
उससे निकलता है पानी और रैबिट मीट भी पानी छोड़ने लगा है। आपको क्या करना है, इसी टाइम पे लीड डालना है और फ्लेम को स्लो रखना है और इसे अच्छा से भून भून के पकाना। अब इसे स्लो हीट में दम पे कुक होने दीजिए। इसका बीच में बनाते हैं एक जबरदस्त मसाला का पाउडर। यहाँ पर देख रहे हैं मैंने लिया है साबुत धनिया, जीरा सीड, सूखी लाल मिर्च, ब्लैक पेपर, ऑल वेराइटीज ऑफ खड़ा गरम मसाला। आपको सेम ऐसा ही मसाला लेना है, से स्लो हीट में अच्छा से भून के आपको पाउडर तैयार करना है। तो दोस्तों देख रहे मैंने कैसा भून भून के इस मीट को आधा से ज़्यादा कुक कर लिया है। आपका जब मीट ऐसा भुना हो जाए, देख रहे ना पानी पूरा सूख चुका है, लेकिन आपको क्या करना है, इसे तो गोल्डन कुक करना है, तो आपको क्या करना है, ऐड कर लेना है थोड़ा सा पानी। लेकिन ध्यान रखना है ज़्यादा पानी ऐड ना करें, हमें दोबारा ऐसा सूखा सूखा ही बनाना है, इसलिए आपको हल्का सा पानी ऐड करना है और इसे मिक्स करना है और इसे दोबारा लीड डालना है और इसे अच्छा से ऑयल डन करके मीट को कुक कर लेना है। तो दोस्तों देख रहे मैंने कैसा रैबिट को अच्छा से भून के पका लिया है और मैंने जब पानी ऐड किया था वो भी पानी सूख चुका है। आपको सेम ऐसा ही सेमी ग्रेवी सेमी ड्राई रैबिट को तैयार करना है। आप बारी है भुना मसाला ऐड करने का, तो सबसे पहले ऐड कर लेंगे थोड़ा सा भुना मसाला। आपको ये मसाला हिसाब से ऐड करना है और साथ में ऐड कर लेंगे रफली काट चॉप हरा धनिया। आपको धनिया का क्वांटिटी थोड़ा ज़्यादा मात्रा से ऐड करना है। नेक्स्ट ऐड करेंगे 1 बड़ी चम्मच ब्लैक पेपर पाउडर और साथ में ऐड कर लेंगे थोड़ा सा जूलियन जिंजर और 2 चम्मच देसी घी। तो घी ऐड करने के बाद अब हम इस मीट को और 5 मिनट अच्छा से भून के सेट कर लेंगे। तो देख रहे मीट तैयार है। तो दोस्तों देख रहे मैंने कैसा भून के रैबिट मसाला तैयार कर लिया है। अब आपको क्या करना है, ऐड करना है 2 लेमन वेजेस का लेमन जूस और लेमन जूस ऐड करने के बाद अब हम इसे अच्छा से एक बार मिक्स कर लेंगे। लेकिन आपको ध्यान रखना है फ्लेम को ऑफ कर लेना है। आपको सेम ऐसा ही सूखा सूखा इंडियन स्टाइल रैबिट मसाला तैयार करना है। तो दोस्तों रेसिपी कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताइए। मैं हूँ आपका दोस्त गोपाल, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नया इंडियन खाने का साथ।